बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 18.6 क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इज इक्वल टू ई रेशो एफ देन शो दैट। हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो या दो से ज़्यादा रेशो हों तो उन्हें हम के मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास तीन रेशो आ रहे हैं, इसे हम के मेथड से सॉल्व करेंगे और प्रूव करेंगे कि दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हैं। स्टार्ट करते हैं। ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इज इक्वल टू ई रेशो एफ। फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, ए अपॉन बी सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, और ये के इक्वल है। तो ए अपॉन बी इक्वल है के, सी अपॉन डी इक्वल है के, और ई अपॉन एफ इक्वल है के। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए इज इक्वल टू बी के। यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी सी इज इक्वल टू डी के। यहाँ से हमारे पास आएगी ई की वैल्यू ए इज इक्वल टू एफ के। अब जहाँ जहाँ पर हमें ये मिलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उसमें पुट कर देंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ए रेज पावर 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ई रेज पावर 4 एफ, और डिनोमिनेटर में है बी रेज पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ रेज पावर 5, और राइट हैंड साइड है यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए रेज पावर 4 और बी रेज पावर 4। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं फिर राइट हैंड साइड पर आएंगे। अब यहाँ पर हम ए की जगह लिखेंगे बी के, ए की जगह हमें लिखना था बी के, और इसकी पावर है रेज पावर है 4। बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो बी को ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस ए की वैल्यू है ए की जगह लिखेंगे बी के, इसका स्क्वायर है। ई भी हमारे पास है, ई की वैल्यू है एफ के, एफ इसका भी स्क्वायर है, माइनस फिर ई की वैल्यू है तो एफ के, और इसकी पावर है 4, और एफ हमारे पास नहीं है तो एफ को ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तीन वैल्यूज हैं हमारे पास, इन तीनों को हम पुट करेंगे। बी की वैल्यू नहीं है इसी तरह से ही आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर एफ की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, और माइनस एफ रेज पावर 5। अब ये क्योंकि होल पावर है तो बी के ऊपर भी पावर 4 और के ऊपर भी पावर 4, बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर और के का स्क्वायर, और फिर एफ का स्क्वायर और के का स्क्वायर, माइनस एफ रेज पावर 4 के रेज पावर 4, और एफ ऐसे टेसी आ जाएगा बी रेज पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ रेज पावर 5। आप ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम पावर्स क्या करेंगे, बी सेम बेस आ रही है, पावर्स प्लस होंगी 4 प्लस 2 6, बी की पावर हमारे पास आए 6 और के रेज पावर 4, प्लस यहाँ पर बी के साथ और बी नहीं है हमारे पास तो बी स्क्वायर, और के की पावर 2 है, के की पावर यहाँ पर भी 2 है तो के रेज पावर 4 हो जाएगी, प्लस एफ का स्क्वायर माइनस एफ रेज पावर यहाँ 4 है यहाँ 1 है तो 5 हो जाएगी, और के रेज पावर 4, बी रेज पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ रेज पावर 5। अब यहाँ से हम k कॉमन ले सकते हैं, k की पावर यहाँ पर 4, k की पावर यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तीनों में मौजूद है, तो k रेज पावर 4 को कॉमन ले लिया, और अंदर हमारे पास आएगा b रेज पावर 6 प्लस k यहाँ से कॉमन लिया है
तो बी स्क्वायर एफ स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, माइनस यहाँ से आएगा एफ रेज पावर 5, बी की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ रेज पावर 5। अब ये देखें सेम चीज़ हमारे पास आ रही है तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बच रहा है के रेज पावर 4। अब हम राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में एक ही जगह पर हम लिख सकते हैं बी के, और रेस पावर 4 है तो होल की पावर 4 आ जाएगी। बी रेस पावर 4, बी की हमारे पास वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो हम ऐसे ही लिख लेंगे इसे। बी की पावर कितनी आएगी 4, और के की पावर भी 4। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर बी की पावर 4, अब ये बी की पावर 4 और बी की पावर 4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल आ रहा है के रेस पावर 4 के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड